अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अजहर महमूद यूके कश्मीरी वॉइस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मनवाने लगा हूँ जो ज़िला बिनबर तहसील सुमानी की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत हैं, जिन्होंने अरसा दराज से तहसील सुमानी के लिए बेशुमार खिदमात पाकिस्तान तहसील सुमानी के लिए की हैं। तो मैं बजाय टाइम वेस्ट किए हुए हाजी साहब की तरफ चलूँगा। इनका तल्लक तहसील सुमानी चौकी पराटी से है। चौधरी मोहम्मद मनीर इनका नाम है और हाल मकीम ये यूके में हैं। और आज का मेरा मुख्तसर सा प्रोग्राम और हाजी साहब की मेहरबानी के इन्होंने खसूसी टाइम निकाला यूके कश्मीरी वॉइस के लिए। तो आज का बेसिक प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हाजी साहब से हमने वो नॉलेज हासिल करना है जो आज की जनरेशन शायद कुछ चीज़ों से नावाकफ है। तो मैं सबसे पहले तो हाजी साहब से ये पूछूंगा कि हाजी साहब, सबसे पहले तो आप हमें यह बताएं कि तहसील सुमानी और ज़िला बिरबर का कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में और कश्मीर के गवर्नमेंट के ख़जाने पर तहसील सुमानी और ज़िला बिरबर का कितना तावन है और इसमें आप क्या समझते हैं कि कितनी सी जो है ना मादनियात पैदा हो रही हैं इस टाइम ज़िला बिरबर से। मोहतरम रियासत जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मैंबर है जरा जी वो तारीखी रिकॉर्ड गवाया कि आजाद कश्मीर ने पूरी सरजमीन जो सब तो कीमती और जरखेज खिता है उसने विचों गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के जंगलात के मादे च बहुत ज्यादा इनकम जा रही है और उत्थे मजीद मेहनत तो जो जायद करने जरूरत है उसने विचों मकई नी फसल बाजरे नी फसल कणक नी फसल और दालां वगैरह काश कितिया जा सकनियां। जमींदार लोग हैं जिहड़े उहदे नाल भरपूर जिहनू कि तवज्जो दिया देन और उसने देखभाल करन। उसने जो असंगी बेहतर सहूलत इस वास्ते है कि गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट अंदर साडा सीनियर मिनिस्टर साडा नुमाइंदा गवर्नमेंट मौजूद है और वो अगले जी कोशिश कर रहे हैं उस तो मजीद होर बढ़ चढ़ गया जिले भिंबर अपने आबाई जिले वास्ते कोशिश करन क्योंकि आजाद भी उन्होंने जाना है उन्होंने भिंबर के जिले का दर्जा दवाया है तो उत्थे मजीद हर चीज़ इजाफा हो सकना है हर चीज़ में पैदावार इजाफा हो सकना बिलखसूस महकमा जंगलात है जरा उसने तवज्जो इस पासे करानी चाहिए है कि जंगलात ने कटाई बड़ी बेदर्दी नाल हो रही है और साल ही दो दफा अग लग गया जंगल सड़ रहा उसने सड़ने नाल कीमती जड़ियां बूटियां जड़ियां वो जाया हो रही हैं और ये रियासत जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत बड़ा नुकसान है। हाजी साहब, अगर तस्वीर ना दूसरा रुख तक किया जाए, मेरा भी तलक जगह ना तहसील सम्मानित हुआ है, तुसा भी तलक तहसील सम्मानित हुआ है। तुसा नी माशाल्लाह उम्र है, तुसा जंगलात भी तके हैं, वो जंगलात तुसा तके हैं जेड़े डोगरा दौर ने या पार्टीशन तू पहला ने। क्या तुसा क्या समझने हो कि जेड़े अजकल ने दौर विच चाहे महकमाना तौर तो से तकिया जाए, चाहे वो सियासी तौर तो ना तकिया जाए, चाहे वो अवामी तरीका ना तकिया जाए, कि लोगों ने किस हद तक रुझान है कि इन्हें जंगलात की क्या वो इजाफा कर रहे हैं या कटाई कर गया खत्म कर रहे हैं, अजकल विच कि सिचुएशन जा रही है। उस वाले ने मोहतरम गुजारिश है कि मौजूदा वक्त है जरा इसने अवाम मौजूदा वक्त ना महकमा जंगलात
जंगलात की मजीद खत्म करने वाले पास तवज्जो दे रहा, उसी बढ़ाने वाले पास कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा। आवाम जिहड़ी है वो ये समझ नहीं रहे कि ये जंगल साडे ने, वो अपने बाप दादा की विरासत है जिहड़ी उहदी हिफाजत अच्छे तरीके नाल करना जाने ते कर सकने, लेकिन वह जो जंगल है जिसकी बेदर्दी नाल खत्म किया जा रहा। जे अगर आवाम ये सोच रखा गया कि जंगल साडा है, महकमा जंगलात कहता है वह भी साडा है, ये जंगल साडा है, असं इस बहुत ज्यादा सहूलत मिली ने, साडे माल मवेशी जंगलों में चल गया था पलने बढ़ने ना, उस तो बाद घा जरा जरा माल मवेशी ने चारा है वो गरीब लोग जंगलों चू कट के आने, जो उसकी वो अपना समझन तो उसी बचाया जा सकना, और बचाने नहीं बड़ी शुद्धता जरूरत है जिस बेदर्दी नाल जंगल की नुकसान बचाया जा रहा। अगर यही सिचुएशन और 10-12-15 साल रही तो टोटली हर शायद जी खत्म हो जाएगी। ये पिछला जंगल से जरा वो 1947 तो पहले ना डोगरा दौर न पले बड़े अजवान होया सी, जिसी आजाद कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ दौर बेच बेच के घेरा किया हुआ, तो हूँ ये जरा नवे बूटे जंगलों में जो गिनती ने चाहता है ना, इन्ना ही जवान करने वास्ते परवान चढ़ाने वास्ते बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और मेहनत यह है उसकी निगरानी की जाए, नाजायज तौर पर कोई दरख्त कटिया ना जाए, चलो जरा कोई नकारा दरख्त है उसी कट लिया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम के दरख्त हैं जो उन्होंने बचाने की जरूरत है, जी ये दरख्त कल साड़ी आने वाली नस्ल की कम देंगे, असं ही नहीं देंगे, लेकिन साड़ी आने वाली नस्ल है जी इन्होंने को फायदा उठा सी। जी जी बिल्कुल सही है, मैं इस चीज़ ना तुसा ना एग्री भी कर सकता है, बेसक ये है कि जंगलात भी इस गला उगाए जाने के उन्होंने तो फायदे हिंदे जान। मैं इतने एक गल जरूर ऐड कर सकता कि बिल्कुल तुसा जंगलात नहीं कटाई करो जिथे तुसा की जरूरत हो, लेकिन कटाई करने तो बाद तुसा उथे नए जंगलात भी तो बनाओ लो, क्या समझने में? दूसरा ये है कि इस टाइम तुसा भी जिम्मेदारी भी कीती हुई, तो तुसा क्या समझ रहे हो कि असा ने समानी विच जिम्मेदारी ने लिहाज नाल बिंबनी जमीन जी है ना वो किस हद तक बेहतर है? पूरे जिले भिंबर ने जमीन पूरी रियासत जम्मू एंड कश्मीर नालों ज्यादा दरखेज है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की जरूरत है और जमींदारों की तवज्जो देने की जरूरत है। आटा मार्केट 40 रुपये किलो बिकना पाया था, अगर मेहनत की जाए तो असं मार्केट चो 40 रुपये किलो लैके बच्चे खिलाने की कोई जरूरत नहीं, असने उस जिले भिंबर ने जमीन चो इतने रिजक पैदा हो जाना कि पूरा साल अस खुल के खाने पीने रुपये तो कोई कमी नहीं पैनी। सर इसने भी जो तुसा ये गल भी दसो भाई जरा जरात ना महकमा है ये क्या साढ़े को जिम्मेदारों की कोई मतलब कि कोई सब्सिडी देना है, कोई सहूलियात देना है, कोई दवाइयां वगैरह या कोई जागा लोगों की गाइड करने के तुसां की इस चीज की जरूरत है, ये चीज पैदावार करो असा तुसें ये दवाइयां देने या कोई किस हद तक, क्योंकि पहले लोग जड़े सन उन्होंने कोई किसी किस्म की अच्छी गाइडेंस न सी, तो कोई समझ लो कोई सोच जरात ना महकमा कोई वर्क कर रहा है साढ़े भिंबर विच गाइडेंस आज भी उतनी है, सिर्फ यह भाई आवाम की थोड़ा शोर चाहिए कि मसलन अगर एक फसल राही है उसी को कीड़ा मकौड़ा लग गया तो ये गौरमेंट महकमे इसे वास्ते भर्ती किए मुलाजम भर्ती किए उन्होंने गौरमेंट तनखा दे रही है, बाकायदा महकमे ने दफ्तर बने गौरमेंट अपने पैसे से महकमे दफ्तर बना गए थे उत दर्जनों सब मुलाजम बैठे अगर कोई फसल की कोई कीड़ा मकौड़ा नुकसान पहुंचा रहा तो आवाम ना कम है उन्होंने कोल जाना उन्हें आखना भी साढ़ा नुकसान हो रहा तो गौरमेंट सतह से कोई भी दवाई या स्प्रे या कोई किसी किस्म ने सिस्टम मंजूर करा गया नो तो साड़ा ये नुकसान है जरा इसी कंट्रोल करो। इसका मतलब तुसाने आखन का मकसद है कि जिथे असा की जरात भी कोई सहूलियात नहीं देनी, साड़ी जड़ी जरात है वो जरात ना महकमा एक ना ना महकमा है बेसिकली, कुछ हद तक तो चलो है कि साड़ी आवाम की भी शऊर नहीं है कि जरा वो जरात तक जान, लेकिन जरात एक महकमा ऐसा जरा साढ़े उसका कम है कि साढ़े किसानों तक पहुँचाना उन्होंने दसना कि साढ़े इलाके इस चीज़ की पैदावार हो सकनी है, इस चीज़ की नहीं हो सकनी या कोई बीमारी लग जानी है किसी फसल की तो उस दवाइया उन्होंने देनिया जो वो कम नहीं कर रहे। तो जरायत मशवरा तह दें जो आवाम मेहनत करे तो आवाम हथ तंग है मेहनत आए पास बंदा बीमार हो जाना तो डॉक्टर को बंदा जाना डॉक्टर डूबे बंदे को नहीं आना,
वो लोगों ने बाप दादा की जायदाद है विरासत है उसी चू मुफाद हासिल करना और गौरमेंट ने दिती सहूलत को मुफाद लेना ये अवाम की जिम्मेदारी है। एक बंदे को बाहर मकदारी जमीन है कणक मग बाजरे तो अलावा अगर कोई चौथी चीज उसे काश्त कर गया ज्यादा इनकम आ सकनी है तो वो महकमे न मुशावरत की जा सकनी है महकमे को मशवरा लिया जा सकना और महकमे को तावन लिया जा सकना है ये तो अवाम करना ना। जी जी सर सर इस टाइम असा एक दोस्त आ फिर बर्मी गम थो तो वो आने नासरा लेकिन तो वो ये गल आने जी कि बेसिकली मैं खुद भी एक प्रोग्राम देखा एक वीडियो देखी है जरा सर अगर समानी थुच्चा ही जाओ ना रस्ते विच एक जंगल होटल है ठीक है उत्थे एक बुजुर्ग ने उन्हें एक अपना जरा बाग तैयार किया है कोई 100-200 बूटा उन्हें लाया माल्टे और नींबू ठीक है कोई 200-300 माशाला बड़ा खूबसूरत उन्हें बाग तैयार किया है लेकिन उन्होंने ये अल्फाज सन के मैं कोई कम अज कम 8-10 दफा जरात न रबता किया है उन्होंने तवज्जो नहीं दी मेरे जरा मैं बाग तैयार किया या जेडी भी कोई किसी किस्म नहीं मेरे बाग विच बीमारी या कोई इस तरह की चीज पैदा हुई है या कोई मक्खी या कोई इस तरह की कोई चीज अगर कोई इफेक्ट नहीं हुई है लेकिन कदे भी जरात लेने की तरफ मेरी हौसला अफजाई नहीं हुई ठीक है तो सर मैं समझना कि जरात लेने की जिम्मेदारी है कि इस तरह लोगों की जाकर हौसला अफजाई करनी फिर इस तरह सरसाना ने मकाम था मैं एक तक उन्होंने बुजुर्गों अपने घर जाफरान पैदा की है तो जाफरान दुनिया की वह पैदावार है जी दुनिया की सब तो कीमती पैदावार है और कश्मीर ना जाफरान जाफरान या बेसिकली त्रै किस्म स्पैनिश जाफरान भी है तो जिसने विच कश्मीरी जाफरान दुनिया ना महंगा तरीन जाफरान है जाफरान की कीमत वह है कि अगर सोना तोला जरा अगर 50,000 ना तो जाफरान की तुसा तोला अगर पैदावार बनाने हो तो तुसानी कम अज कम 70-80,000 रुपया आमदन होनी है जाफरान पैदा करने वास्ते एक तोला पैदा करने वास्ते तुसा गी अगर ज्यादा तो ज्यादा खर्चा चाहिदा होवे तो वह तुसा अगर 500 रुपया तोला पैदा करने वास्ते 500 रुपया खर्च करो तो 70,000 तुसा पैदा कर सकते सिर्फ असानी जरात लेंगे चाहिदा कि वह जागे सारे इलाके विच ये चीजा सारी आवाम गी दसन क्या समझे उसने पता है मैं तो अपनी सोच न गुजारिश कर आजाद कश्मीर वजीर जरात वजीर माल जो ने दो वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते जमीन ने महकमे ने वजीर मौजूद है मुजफ्फराबाद एग्रीकल्चर न वजीर ना हो सी लेकिन होर कुछ है वजीर है को महकमा लाजमी हो सी ते अवाम अपने अंदर शोर पैदा कर गया ते 5-7-10 बंदे कठे हो गए ते महकमे जरात ने दफ्तर जान जेड़ा तहसील ने या मसलन फर्ज कर लो मैं चौकी ने रहना मेरे वास्ते चौकी महकमे जरात ने दफ्तर है उत्थे 5-7 बंदे जान जाके गल कर कुछ करना जाने तो तू साडे नाल तावन करो जिथे तुसने तावन नहीं असा की जरूरत है उत्थे 100% भरपूर बढ़ चढ़ के साडे नाल तावन करना जे अगर वह तावन नहीं करना है तो फिर उन्होंने जरा दूसरे अंदाजे नाल पूछा जाए कि साडे वास्ते साडी खातर गौरमेंट तुहानू भर्ती किते है और गौरमेंट अपने खजाने विचों तुहानू तनखा जा रही है तो खजाना जरा वह अवाम नहीं जेब विचों जा रहा। सर शुक्रिया अदा करांगे जनाब ना कि जिन्हें असा इतना टाइम दिता है दोस्तों ने भी खुसूसी शुक्रिया अदा कर सा बड़ी मेहरबानी मैं भी शुक्रिया अदा करना थोड़े इस बेहतरीन खातर उसने बेहतर मुस्तकबिल खातर सारे को जो कुछ है वो अपना गोश गुजार करा गे जो उसे सुन दिया फायदा सर इस टाइम काफी सारे दोस्त तुसा जरा तक मेरे एंजॉय भी कर रहे ते बड़ा पसंद कर रहे तुसा इसकी मकाने की ते इंशाल्लाह थैंक यू करांगे सारे दोस्तों ने भी उम्मीद करने के सारे दोस्तों ये पसंद आया उसी ते शेयर भी करो थैंक यू वेरी मच ओके अल्लाह हाफिज़।